हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेंस फ्रेंड। आज के वीडियो में मैं एक्साइटल के लेटेस्ट प्लान्स के बारे में बताऊंगा उसके लेटेस्ट लीफलेट से, और साथ में टेंडा के N301 वायरलेस N300 वाईफाई राउटर का रिव्यू भी दूंगा, जिसका बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। अगर आपको खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके खरीद सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो टेंडा के N301 वायरलेस N300 वाईफाई राउटर से। तो पिछले 6 महीने से यूज़ कर रहा हूँ मैं अभी, तो इसमें अभी कोई इतनी दिक्कत आई नहीं है, बहुत सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आई इसमें। तो इसे आप CCTV भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ये है इसका फ्रंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है ये सिस लिखा है, मतलब सिस्टम अभी ऑन है। WLAN, एक होता है LAN लोकल एरिया नेटवर्क, और WLAN हुआ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ये कितने सिस्टम आप यूज़ कर सकते हैं, ये है 1, 2, 3। यहाँ पे है WAN, तो WAN का मतलब हुआ वाइड एरिया नेटवर्क। WLAN है, इसका मतलब एग्जैक्टली ये हुआ कि इस राउटर से एक से ज़्यादा कनेक्शन यूज़ कर सकते हैं, और इसमें दो इसके एंटेना हैं। और ये है इसका बैक साइड, जैसे यहाँ पे लिखा है वायरलेस N300 इजी सेटअप राउटर, मॉडल नंबर N301। इसमें IP एड्रेस दे रखा है, पावर है 9 वोल्ट, टेंडा की वेबसाइट है, और ये मेड इन चाइना है। तो इसका सेटअप आपको ऑनलाइन करना पड़ता है इसकी वेबसाइट पे जाके। यहाँ पे जो आपको IP एड्रेस दिख रहा है वो IP एड्रेस आप यूज़ कर सकते हैं लॉगिन करने के लिए। तो जिस भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की सर्विस यूज़ करेंगे वो आपको ये सेटअप करके दे देंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला बटन आपको जो दिख रहा है WPS RST, ये WPS का बटन है, और इसे रीसेट कर सकते हैं। तो WPS का मतलब होता है Wi-Fi प्रोटेक्टेड सेटअप। तो ये एक सुरक्षित वायरलेस होम नेटवर्क बनाने के लिए एक नेटवर्क सुरक्षा माना जाता है। तो WPS कोई सुरक्षा फीचर नहीं है, लेकिन WPS के द्वारा Wi-Fi का जो ओनर होता है, Wi-Fi का जो मालिक होता है, वो अन्य लोगों को जो बिना Wi-Fi ओनर की इच्छा के Wi-Fi का इस्तेमाल करते हैं उन्हें रोक सकता है। और रीसेट का बटन हम इसलिए यूज़ करते हैं, जैसे कई बार नेटवर्क में थोड़ी दिक्कत आ रही होती है, सिग्नल में थोड़ी दिक्कत आ रही होती है, तो हम उसको रीसेट कर सकते हैं कि Wi-Fi रीस्टार्ट हो जाए। और ये है यहाँ पे ईथरनेट केबल के लिए 4 पोर्ट दे रखे हैं। इसमें फ़ोन केबल यूज़ नहीं कर सकते हैं आप, इसमें सिर्फ और सिर्फ ईथरनेट केबल यूज़ कर सकते हैं, वो भी इंटरनेट यूज़ करने के लिए। और ये है पावर पोर्ट, इससे इसकी पावर ऑन होगी। तो ये है इसका पावर प्लग। तो इसमें अभी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यूज़ कर रहा हूँ मैं, उसकी स्पीड है 100 Mbps, और डेटा अनलिमिटेड है, स्पीड इसकी अच्छी आती है, कोई दिक्कत नहीं होती। इसका स्पीड टेस्ट मैं आपको करके दिखा दूंगा। इसमें 7 से 8 स्मार्टफोन डिवाइसेज आप कनेक्ट कर सकते हैं, स्मूथली चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती, बिना इंटरप्शन के चलता है। तो काफ़ी कॉम्पैक्ट सा छोटा सा डिवाइस है, राउटर डिवाइस है। इसमें वॉल माउंट का ऑप्शन नहीं होता, इसको आप कहीं पर रख सकते हैं, इसी सरफेस पर रख सकते हैं, वॉल माउंट नहीं होगा क्योंकि इसके पीछे वॉल माउंट करने की जगह नहीं दे रखी है। तो इसको कहीं आप टेबल पे या कहीं भी सरफेस पे रख सकते हैं। तो अब चेक कर लेते हैं स्पीड टेस्ट, इसकी स्पीड कैसी है। तो स्पीड टेस्ट करने के लिए हम जाएंगे स्पीड टेस्ट बाय Ookla, इस पर हम क्लिक कर देंगे, फिर गो पे क्लिक कर देंगे। तो अब हम देख लेते हैं इसकी स्पीड कितनी आती है। इसकी स्पीड टेस्ट आ रही है 36.18, और पिंग आ रहा है 3 ms। तो पिंग, जैसे आपको पता है, जितना कम रहेगा पिंग उतना ही अच्छा है। अब बात कर लेते हैं एक्साइटल ब्रॉडबैंड के लेटेस्ट प्लान के लेटेस्ट लीफलेट से। तो इसके फ्रंट में हम पहले देख लेते हैं प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू एक्साइटल केबल कटर प्लान। तो केबल कटर प्लान को हाईलाइट किया हुआ है फ्रंट में। अनलिमिटेड इंटरनेट, अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट, तो इसमें 400 Mbps की स्पीड मिलेगी, प्लस 21 OTT सब्सक्रिप्शन, प्लस एक्साइटल TV। प्लान स्टार्टिंग 449 रुपये पर मंथ, और नीचे लिखा है फ्री टू यूज़ राउटर वर्थ 2500 रुपये, 5G डुअल बैंड राउटर मिलेगा इसमें आपको। तो यहाँ पे कस्टमर केयर नंबर दिया हुआ है और एक्साइटल की वेबसाइट। एक्स्ट्रा डिटेल्स के लिए आप इसकी वेबसाइट को जाके चेक कर सकते हैं, या फिर आप कस्टमर केयर कॉल करके एक्स्ट्रा डिटेल्स ले सकते हैं। इसके बैक में हम देख लेते हैं प्लान की डिटेल्स को। तो पहला है द किक स्टार्टर प्लान। तो इसमें 3 कैटेगरीज हैं। तो पहली कैटेगरी है 100 Mbps स्पीड वाली, जिसका प्राइस है 667 रुपीज़ पर मंथ। तो डबल स्टार लगा है, तो डबल स्टार का नीचे मतलब लिखा है प्लान वैलिड फॉर 3 मंथ्स ओनली। तो ये प्लान 3 महीने के लिए आप ले सकते हैं, 1 महीने के प्लान में ये नहीं मिलेगा, तो आपको इकट्ठा 3 महीने का प्लान लेना होगा। उसके बाद है 200 Mbps स्पीड वाली कैटेगरी, जिसका प्राइस है 449 रुपये पर मंथ। उसके बाद है थर्ड कैटेगरी 300 Mbps स्पीड वाली, जिसका प्राइस है 499 रुपये पर मंथ। नेक्स्ट प्लान है द केबल कटर प्लान। तो इसमें भी 3 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है 200 Mbps स्पीड वाली, जिसका प्राइस है 554 रुपये पर मंथ। उसके बाद है 300 Mbps स्पीड वाली कैटेगरी, जिसका प्राइस है 604 रुपये पर मंथ। उसके बाद है थर्ड कैटेगरी 400 Mbps स्पीड वाली,
इसका प्राइस है 734 रुपये पर मंथ। इन सब में GST एप्लीकेबल है। तो नीचे यहाँ पे मेंशन है फ्री 32 इंच स्मार्ट TV वर्थ 23,990 रुपये। तो स्मार्ट TV प्लान के लिए आपको एक्स्ट्रा 1,299 रुपये पर मंथ देना होगा। जैसे राउटर मिलता है वैसे ही आपको TV देंगे। TV के चार्जेस हैं 1,299 रुपये पर मंथ। तो जितने भी OTT सब्सक्रिप्शन जो भी मिलेंगे फ्री, आपको आप सब इस TV में देख सकते हैं आराम से। तो अलग से आपको TV खरीदने की ज़रूरत नहीं है। 1,299 रुपये पर मंथ देके आप TV यूज़ कर सकते हैं। जब कनेक्शन आप हटवाओगे एक्साइटल ब्रॉडबैंड का, तो ये TV भी साथ में ले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है फ्री स्मार्ट प्रोजेक्टर वर्थ 30,000 रुपये। मिनी होम थिएटर प्लान, अगर आपको एक स्मार्ट प्रोजेक्टर चाहिए, मिनी होम थिएटर प्लान लेते हैं, तो एक्स्ट्रा आपको 1,499 रुपये पर मंथ देना होगा। TV लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप सीधा ये प्रोजेक्टर ले सकते हैं 1,499 रुपये पर मंथ देके। तो जितने भी OTT सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलता है, तो आप सब आराम से इस प्रोजेक्टर में देख सकते हैं। ये थी डिटेल्स एक्साइटल ब्रॉडबैंड के लेटेस्ट प्लान्स के बारे में, और साथ में टेंडा N301 वाईफाई राउटर का रिव्यू, जिसका बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। अगर आपको खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक करके खरीद सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कर दें, और साथ ही साथ फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकॉन हिट कर दें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उनके आंसर कर दूंगा। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।